आइए आज हम आपको दिखाते हैं ये बिहार राज्य के लखीसराय जिला के कैंदी पंचायत के सीपुर टोला है। उन वहाँ पे देखिए गंदगी नालों की। हमको ऐसा लग रहा है कि पिछले 10 साल से ये नाला एक बार भी साफ नहीं हुआ, देखने से ऐसा पता चलता है। और पता नहीं इस पंचायत में जो भी मुखिया हो, जो भी सचिव हो, जो भी अध्यक्ष हो, उनका ध्यान पता नहीं इस पे क्यों नहीं गया। तो हम पूछना चाहेंगे सीपुर के नवयुवक से, जो खुद सभी नवयुवक इकट्ठा होके खुद इस काम को अपने से कर रहे हैं, किसी से कोई उम्मीद नहीं, खुद का सफाई खुद कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं सीपुर के नौजवान से। आप इस सफाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सफाई को लेकर बीजेपी की सरकार है और फिर भी आपको इतना मेहनत करना पड़ रहा है अपने गांव को साफ रखने के लिए, आप क्या बोलना चाहेंगे? फंड नहीं देती है केंद्र सरकार, तो वहाँ से तो आती है, वहाँ से आती है केंद्र सरकार, ये नहीं देखने आती है काम हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे जो पंचायत के होते हैं मुखिया हो गए, पंचायत समिति हो गए, अच्छा ये सबको देखना चाहिए। जो एक बार भी गाँव तो 20 साल से नाली नहीं बना है, ना ही खरंजा बना है, कुछ भी नहीं बना है। देखिए इधर मतलब पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से कुछ भी नहीं हुआ, नहीं बना है। जल का है पानी जो वो तो न लगा हुआ है, रोड पे बहता है, देखिए कुंडी नहीं है, कुंडी नहीं है। अच्छा वो तो नहीं है, तो फिर भी तो बंद है, अभी तो वो बंद है, नहीं है वो पानी रोड पे बहता है, देखिए गड्ढा हो गया। तो मतलब आप लोग खुद मिलके सभी नवयुवक इसमें इस सफाई अभियान में, अच्छा छठ को लेकर तैयारी चल रही है, साफ तो करना पड़ेगा। अच्छा घर में जो माताओं बहनें छठ करती है जी, उनके लिए तो साफ सफाई रखना ही पड़ेगा। हाँ ये तो अच्छी बात है। तो साफ वगैरह कोई फंड ही नहीं है, ना गांव में रोड बना है, ना नाली बना है, कुछ भी नहीं बना है, योजना भी आधा ही है। तो मतलब आप लोग अभी जो चुनाव हुआ है पंचायत का, तो उससे जो भी मुखिया बने हैं उनसे आप क्या क्या उम्मीद रखते हैं? यही कहते हैं कि नाली बनाए, खरंजा बनाए, तो गांव को सबसे स्मार्ट गांव नली और गली ही बने। तो चर्चा में है यहां कैंदी पंचायत के जो मुखिया इस बार जो चयनित हुए हैं उनकी काफी प्रशंसा की जा रही है कि वो बहुत अच्छा समाज सेवी है, काम जो करे वही सही है। तो ऐसे तो देखिए घाट का मतलब एक बार भी घाट नहीं बना है। अच्छा सीपुर का जो घाट है, पावन पर्व छठ होता है, सीपुर में घाट नहीं बना है, सीपुर में घाट बना ही तो पूजा कैसे होती है यहाँ पे? पूजा ऐसा ही मिट्टी वगैरह कोड़ काड़ के बराबर करके उसी पे होती है। तो मतलब अभी तक किन्नी का नजर नहीं पड़ा उस पर? किन्नी का नहीं पड़ा है, 2-3 बार पड़ा है, कोई जैसे भी लाके बस पता नहीं क्या करते हैं, मतलब जैसे तैसे कर लेते। पावन पर्व छठ माना है। हाँ वो तो सही है, बिहार का पावन पर्व छठ माना जाता है, घाट का तो व्यवस्था करना चाहिए, अभी तक कोई नहीं किया। और मतलब आते हैं ना, 10 साल से गली बना है, ना नली बना है, ना घाट बना है। हाँ वो तो दिख ही रहा है कि इतना सारा गंदगी है, तो पिछले 5 साल 10 साल से सफाई तो नहीं के बराबर हुआ होगा। तो हम नवयुवक के जो अध्यक्ष हैं, सीपुर नवयुवक के जो अध्यक्ष हैं जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ जीतो सिंह, उनसे दो बातें पूछना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस सफाई को लेकर के? अरे बोलिए, जो शिकायत है आपको बोलिए, आप खुद इसमें की खाली मैंने पलेटो बनवा दे हर की मुखिया, मतलब पिछले 10 साल से कुछ भी नहीं हुआ, छोड़े को काम नहीं। इतना गंदगी 10 साल से पड़ा हुआ, 10 साल में पानी ऊपर से देखिए बह रहा है, बह रहा वो तो सबको दिख रहा है। देखिए आप लोग भी देखिए, ये कैंदी टोला का एक सीपुर गांव का ये नजारा है, कितनी गंदगी पड़ी है, सिर्फ नाम का है कि काम हो रहा है लेकिन कुछ भी नहीं। आप खुद ही देखिए इस वीडियो के माध्यम से, हर एक नाला में इतनी गंदगी निकल रहा है। और सीपुर के जितने भी नौजवान हैं वो मेहनती हैं, समाज सेवी हैं, उन्होंने तय किया कि हम लोग खुद ही इसको इस सफाई ये सारा नली को साफ करेंगे, जो कि होता प्रतीत हो रहा है। धन्यवाद।